कबड्डी अपनी पंजाब की मां खेड है। मैं याद है जो मैं पहली बार सियासत आया अपने इन्ह पिंड मैं आता सी हर बार जितने भी टूरनामेंट होंदा मैं जाता पर कबड्डी सीमित अपने पिंड सी अपने पंजाब तो बाद थोड़ी जी हरियाणे खेली जाती उदो ही असं फैसला किया पिछले जो सरकार बनी कि इस कबड्डी मां खेड को दुनिया के नक्शे पहुंचाना है। अब मैं बड़ी खुशी है कि 6 साल के अंदर असी दुनिया के कोने कोने पहुंचा दी नवंबर के महीने में अपना वर्ल्ड कप कबड्डी हो रहा है जिथे 19 मुल्कों की टीम हर हिस्सा ले रही है जिथे 9 मुल्कों की टीम लड़कियों दिया इस टूरनामेंट में हिस्सा लेने वास्ते आ रहे हैं। अगले महीने अक्टूबर के महीने जिहड़ा महीना चल रहा है वर्ल्ड कबड्डी लीग के भी टूरनामेंट असी पंजाब करा रहे हैं पंजाब के कोने कोने। सो अगले 2 महीने एक वर्ल्ड कबड्डी लीग होगी एक वर्ल्ड कप होगा आ 2 महीने कबड्डी के चल रहे हैं। खेडा तरफ मेरी कोशिश रही है कि आप पंजाब के नौजवानों को खेडा तरफ लाइए आई कारण है कि अभी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बनाया जिसे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में 5000 बच्चों को असी दाखिल किया पंजाब के कोने कोने पिंड छोटे बच्चों को दिता है उन्होंने सारा ट्रेनिंग का खर्च का और सारे पढ़ाई का खर्चा पंजाब सरकार दे रही है। मेरी कोशिश यही है थोड़ी सरकार की कोशिश यही है कि असं पंजाब को तरक्की भी बढ़िया में चलेंगे तो 9 साल देखोगे जेडिया मेन मंगा थी अपने पंजाब की बिजली की सी पूरी नहीं थी सड़क नहीं सी हम चारों बढ़िया चारों तरफ सड़क बढ़िया बन रही है फिर असं शहर दीरेज पीने पानी वास्ते असं तकरीबन 5000 करोड़ लाया है तो मैं अच सारी भाई संगत बैठी है मैं तुम ऐलान करना चाहना मैं हर बार जो किया वो पूरा किया है तो मैं अच ऐलान करना चाहना अगले 5 साल छोटी सरकार बना देनी है पर अगले 5 साल के अंदर मैं 30-35 हजार करोड़ रुपये ला के जेडे 12 हजार पिंड अपने पंजाब के है सारे सीमेंट दिया गलिया नालियां दा सीवरेज सिस्टम असीं बना के देवांगे अगले 3-5 साल बाकी गरीब जनता नूं जिवें सगन स्कीम पेंशन ते मेडिकल इंश्योरेंस ते स्कीम चालू कीती है इह जिहड़ियां स्कीमां होर कितें नहीं है जिहड़ी जान दी इंश्योरेंस भी कीती है जिहड़ी असीं अगे हुण असीं अगले महीने कोई 50 ते 2600 दुकानां खोल रहे हैं जिथे मुफ्त दवाई दी जाऊगी कोई भी बीमार हो दवाई लेने वास्ते केमिस्ट को इनाम की लोड़ नहीं तुसी उस पिंडा च जाके लंगर थोड़ी हरियाणा जिथे तुसी ओपे दुकान जाके अपनी दवाई लै सकोगे। थोड़े असी स्किल सेंटर भी अगले महीने खोल लगे हैं जिदे नाल अपने नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दी जाऊगी। तो मैं ज्यादा समा ना लैंदा होया मैं आई बेनती करता है कि थोड़ी सरकार है ते मेरा इको ही निशाना है कि असी नौजवानों को कबड्डी में छोड़ लाइए मेरी पिंड की एक मांग है वे अपनी स्टेडियम बना की मैं 10 लाख रुपया स्टेडियम वास्ते दे के जा रहा ते बाकी 20 लाख रुपया पिंड की डिवेलपमेंट वास्ते पिंड को ग्रांट दे के जा रहा ते जड़ी वड्डी फंड बनाना है वो भी मंजूर करके जाने वड्डा इत्थे फंड भी बनाया जाऊगा। फ्रेंड वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का फतह।